बॉडी मेरे से देखी नहीं जा रही थी सर, मैं इतनी परेशान थी। और आप भी तुम मेरी हालत से देख सकते हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। सर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। भाई माँ हूँ, माँ का दिल तो बेचैन होगा अपने बेटे से मिलने के लिए। लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, इतना अन्याय हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। उसके मुंह पे खून निकल रहा था, इधर भी, और उसके चोटों के निशान थे बहुत बुरी तरह, और पूरा आंखें नीली कच हो रही थी। मैं इस वक्त जीशान मलिक के परिवार के बीच मौजूद हूँ। वो सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जीशान मलिक के घर वाले हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं। मैं इनके मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हूं। दिल्ली का ये पूरा मामला है। जीशान मलिक को दिल्ली पुलिस ने एक सिगरेट चोरी के आरोप में उठाया। परिवार का भी यही कहना है कि हमने इस लिहाज से उसको पुलिस के हवाले कर दिया कि आगे बढ़कर कहीं बड़ी चोरियाँ ना करने लग जाए और कहीं बड़े वारदात को अंजाम ना देने लगे। लेकिन इस परिवार को क्या मालूम था कि एक सिगरेट चोरी के आरोप में पुलिस को सौंपना इनको इतना महंगा पड़ जाएगा। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में जीशान मलिक की डेथ हो गई और जीशान को मार दिया गया। जीशान के पिता, उनकी माँ और उनकी दोनों बहनें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे आज मैं इस पूरे मामले पर बात करने वाला हूँ। मेरे पास सवाल बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे और क्या आपकी कंडीशन है उसको मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं। आपने अपना जवान बेटा खोया है। मुझे इतना बताइए कि जब आप पुलिस को सौंप रहे थे एक सिगरेट चोरी के आरोप में, क्या उस वक्त लगता था कि ये उसके साथ हो जाएगा और ऐसा नहीं, क्यों नहीं लगता था? हम ऐसा नहीं लगता था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, इतना अन्याय हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। मैं तो सोचा था कि मेरा बेटा सुधर के आ जाएगा और अच्छा बन के आएगा मेरा बच्चा। मुझे ये नहीं पता था कि ये जेलर और उनका मुंशी मेरे बच्चों को मार देगा, इस बेधर्मी से मेरे बच्चों को मारेगा, ये मुझे मालूम नहीं था। कितने साल का था लड़का? मेरा लड़का 19 साल का था। और आपने भी देखा मेरे बच्चे को, फोटो देखा आपने कि मेरे बच्चों कितनी बेदर्दी से उन्होंने मारा है। ये तस्वीरें आप लोगों ने अपने हाथ में ली हुई हैं, आप माँ हैं लड़के की, क्या आपके दिल पर गुजर रही है इस वक्त क्योंकि जवान बेटे को आपने खोया है? 14 तारीख की सुबह में मेरे पास 7 बजे फ़ोन आता है और वो पुलिस वाला कहता है कि आपका लड़का दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम आ रहे हैं। 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 8:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो हमने कहा कि भैया, काफ़ी देर बाद हमने खुद ने फ़ोन मिलाया उनको और फिर वो हमसे मिलने आए। तो हमने कहा कि अब हमारे बेटे को लेके चलो, कौन से वार्ड में मेरा बेटा है। भाई माँ हूँ, माँ का दिल तो बेचैन होगा अपने बेटे से मिलने के लिए। तो उन्होंने मेरी बेटियों को, दोनों को उस अलग साइड में कर दिया और हम दोनों को बुलाया और कहा कि आपका लड़का डेट कर चुका है। तो मैं तो तड़प गई। मैंने तो कहा कि आपने ही मेरे बेटे को मारा है और ऐसे कैसे मर गया वो। लेकिन एक बात मैं यहाँ आप लोगों को भी ये बता दूँ और इनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुलिस का कहना है कि लड़का बीमार था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उसकी डेथ कर दी गई। आप लोगों ने जब देखा, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या लग रहा था आपको कि वो बीमार था या किस तरह से उसको मारा गया? आप कह रहे हैं कि मारा गया, पुलिस कह रही है बीमार था। नहीं नहीं, मेरे बेटे की डेथ हुई है सर, उसका बुरा हाल था, उसके मुंह पे खून निकल रहा था, इधर भी, और उसके चोटों के निशान थे बहुत बुरी तरह, और पूरा आंखें नीली कच हो रही थी। तो इसलिए मेरे को लगा, मैंने फौरन ही आईओ से कहा कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। मेरा बेटे में कोई बीमारी नहीं थी। मेरे बेटे को सर, मेरे बेटे को 2-2 साल तक बुखार भी नहीं आता था। ये सारे झुग्गी वाले, मेरे मोहल्ले वाले सब गवाह हैं, मेरा बेटा कैसा था। ठीक है, अब एक बात और बता दीजिए, चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले कि जेलर, डिप्टी जेलर जो सुप्रिंटेंडेंट वहाँ रहते हैं, उनके खिलाफ़ एक तो CBI जांच बैठाई जाए। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा फ़ोन करके माँ बाप से पैसे जेल में मंगवा सकता है, तो वो जेलर या वो डिप्टी जेलर या वो मुंशी या जिसके हाथ में वो बंदिश में था या जिस बैरियल में था, तो वो ये भी कह सकते थे कि फ़ोन करके कि आपका बच्चा बीमार है। उन्होंने पहले नहीं बताया, जब वो बच्चा मर चुका उसके बाद उन्होंने हमारे को खबर दी जब वो अस्पताल गए। बीमारी कुछ नहीं बताई उन्होंने, ये कहा सिर्फ बच्चा तुम्हारा बीमार है। अगर हमारा बच्चा बीमार हुआ होता तो 2-4 दिन पहले, जब वो महीना 20 दिन पहले पैसे मंगवा सकता है, तो उसकी खबर भी दे सकता था कि मम्मी पापा हम बीमार हैं, हमसे एक बार मिल लो। ठीक, क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहता है जी सक्सेस है, उनको
बहुत जल्दी जेलर को और मुंशी को जल्द से जल्द हमारे सामने पेश किया जाए और हम उनसे पूरी पूछताछ करेंगे और सीबीआई बिठाई जाए। सर हम सीबीआई जांच चाहते हैं और जेलर तो जेल तो बहुत सेफ चीज़ है, सबसे बड़ी जेल है, तो वहाँ पे ऐसे कैसे मर्डर हो सकते हैं। और सर हम सीबीआई जांच चाहते हैं और सीसीटीवी कैमरोज की फ़ोटोज चाहते हैं और जेलर और मुंशी से बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिवार है ज़ीशान मलिक का परिवार जो कि इस वक्त अपनी बात रख रहा था, देखिए बेटा तो वापस आने से रहा लेकिन इन लोगों का जो भरोसा है कानून पर और सीधे सीधे सीबीआई जांच की ये लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पुलिस कहानियां बना रही है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आई हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी सामने नहीं आ पाई है ना इन लोगों को दी गई है। तो ऐसे में परिवार को ये लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ छुपा रही है, बीमार कहकर इनके बेटे को मार दिया गया है, ऐसा परिवार लगातार कह रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या सीबीआई जांच होती है और किस तरह से इस पूरे मामले की आगे कार्रवाई बढ़ेगी और कितने आला सथी और कितने बड़े पैमाने पर इस मामले की जांच होगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।